वेलकम बैक अनदर वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ चेक गुप्ता हिंदी पे। गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपको पेट्रोल पे भी सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से, तो एक पल के लिए आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जहाँ पर अब आपको पेट्रोल के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, जहाँ पर आप अपने बाइक के नंबर को लेकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मात्र 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर की मदद से। सो आज की इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में कंप्लीट जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट की गई है, जहां पर अब आपको पेट्रोल के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना मैंडेटरी है। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने, कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगी। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल ऑन करते आना है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। लिंक पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा, जहाँ पर आपसे आपका राशन कार्ड नंबर मांगा गया है और कार्ड टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है और साथ में पासवर्ड के लिए आपके आधार कार्ड के लास्ट 8 डिजिट को यहाँ पर फिल कर देना है। इस कैप्चे को इस बॉक्स में फिल करके आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल के आएगा, जहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं। कई फील्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आप बारी बारी से चेकआउट कर सकते हैं और इन सारे फील्ड्स के बारे में जानकारी को ले सकते हैं। इस पेज में अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर पेट्रोल सब्सिडी का। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बाइक का लोगो दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सब्सिडी पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके राशन कार्ड की सारी डिटेल्स शो हो जाती है और साथ में यहाँ पर फैमिली मेंबर को सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन दे देगा। सिलेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर होंगे सारे का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। जिस भी मेंबर के नाम से व्हीकल है या फिर टू व्हीलर्स है, उसके नाम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में आपको आधार नंबर फीड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर को इंटर कर देना है और यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जिसके बाद आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। आपका आधार नंबर वेरीफाई होने के बाद सेकेंड स्टेप में आप आ जाते हैं, जहाँ पर अप्लाई फॉर पेट्रोल सब्सिडी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और नीचे में ऑप्शन आपको मिल जाएगा मेंबर के नाम को सिलेक्ट करने का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके राशन कार्ड के सभी मेंबर के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर मेंबर का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, एक बटन दी गई है, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है। इंटर द न्यू व्हीकल डिटेल एंड अप्लाई फॉर पेट्रोल सब्सिडी टू करेंट मंथ, यहाँ पर इस पर ऑप्शन पर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद एक नया पेज आपके सामने खुल के आएगा, जहाँ पर आपको व्हीकल का नंबर डाल देना है, गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है ओनर का नाम डाल देना है, ओनर के फादर मदर या फिर हस्बैंड का नाम जो भी है उसको डाल देना है, डीएल नंबर डाल देना है। देन आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट ओटीपी का, इस पर आप क्लिक करेंगे, गाड़ी जिसके नाम पर रजिस्टर है उनके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी को फिल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस बॉक्स में आपको चेकआउट कर देना है और साथ में यहाँ पर नीचे एक हरी बटन आपको मिल जाएगी अप्लाई फॉर पेट्रोल सब्सिडी का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका पेट्रोल सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाता है। आपने अप्लाई कर दिया पेट्रोल की सब्सिडी के लिए। हालांकि दोस्तों, अभी यह सर्विस सिर्फ झारखंड स्टेट के लिए शुरू की गई है। जैसे ही अनदर स्टेट में यह सर्विस शुरू हो जाएगी, उसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इसके बाद दोस्तों, जो सब्सिडी आपको पेट्रोल के लिए दी जाएगी, डीपीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जिस भी अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होगा, सेम अकाउंट में आपका पेट्रोल सब्सिडी का पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप पेट्रोल सब्सिडी के लिए घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हैं। इस कमाल की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करते हुए इसकी जानकारी को सभी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।